गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने प्रेस वार्ता कर 24 नवंबर को अरविंद केजरीवाल की होने वाली रैली के बारे में दावा किया कि गुरुग्राम में आयोजित होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली में 19 नवंबर को सुल्तान में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन विकास रैली में ज्यादा भीड़ जुटेगी। गुरुग्राम के निजी होटल में प्रेस वार्ता करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने न केवल गुरुग्राम में 24 नवंबर को आयोजित होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में गुरुग्राम की बदहाली व बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल की रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान नवीन जयहिंद ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री की रैली में पूरे हरियाणा से लोग पहुंचेंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल की रैली में सिर्फ गुरुग्राम के ही लोग पहुंचेंगे। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल की रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली साबित होगी। नवीन जयहिंद ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की विकास रैली के लिए सरकारी तंत्र का खुलकर उपयोग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी तंज कसा कि प्रधानमंत्री की रैली में काले कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रैली में आ सकते हैं। गुरुग्राम में आयोजित हुई आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता में किए गए रिकॉर्ड तोड़ रैली के दावे कितने सही साबित होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आम आदमी पार्टी 24 तारीख को 12 बजे गौशाला ग्राउंड में अरविंद केजरीवाल जी जनसभा करने के लिए आ रहे हैं। गुड़गांवा की जनसभा होगी और उस जनसभा में स्कूल हॉस्पिटल की बात होगी, गुड़गांवा की जो समस्याएं हैं लोकल उसकी बात होगी, और जो मोदी जी की 19 तारीख की रैली है पूरे हरियाणा की, उससे बड़ी गुड़गांवा की अकेले जनसभा होगी। और अरविंद केजरीवाल की रैली में काले कपड़े पहन के आ सकते हैं आप, जैसे मोदी जी की में नहीं जा सकते। बाथरूम करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस तरह मोदी जी की रैली में पाबंदी लगाई गई है। तो आम आदमी पार्टी की ये जो जनसभा होगी ये ऐतिहासिक होगी और मोदी जी की रैली से बड़ी होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो केएमपी का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं और पूरा हा उल्ला जो मचाया हुआ है, अगर ये टोल फ्री करते हैं तो ये माना जाए कि सरकार की कुछ जिम्मेदारी भागीदारी है, वरना लोग टोल देंगे भाई, कंपनियों ने बनाया है तो इसमें मोदी जी का या खट्टर साहब का क्या लेना देना है। और जिस तरह से हरियाणा के पिछले 4 साल हुए हैं, खट्टर साहब सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, उनके खुद के मंत्री ये कह रहे हैं। अब हम तो पूछना चाहते हैं, राव नरवीर जी ने खुद कहा है कि मोदी अगर भूल कमल का फूल तो फिर हाथ, तो इसका मतलब राहुल गांधी की रैली कब करा रहे हैं ये? राव नरवीर जी बताएंगे राहुल गांधी जी की रैली कब करा रहे हैं, अब तो ये मोदी की करा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक विकल्प के लिए यहां पे आ रही है। जिस तरह से हरियाणा की राजनीति हुई है आप देख सकते हैं, बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं है, इन लोगों में वैसे जूत बजा हुआ है, खुद भतीजा कह रहा है कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया है, कांग्रेस में वैसे जूत बज रहा है, 4-4 कांग्रेस है, 10-10 मुख्यमंत्री है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके न्योता देंगे, और हम तो कहना चाहेंगे कि जो रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री जी चुनाव के दौरान रैली करके गए थे, जो बात बोल के गए थे, तो वो यहां पे दोहरा के जाएंगे, उसमें तो किया क्या क्या है, किया तो कुछ भी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी इस 24 तारीख की जो जनसभा है इसको बनाने के लिए सारे लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि मोदी जी की जो रैली होगी पूरे हरियाणा की, और ये सरकारी रैली हो रही है, पुलिस वालों को शादी वर्दी में बोला गया, पूरे हरियाणा से पुलिस वाले बुलाए गए हैं, सारे सरपंचों को कहा गया, ग्रांट उनको देते नहीं है, पार्षदों को कहा गया है, आंगनवाड़ी आशा वर्कर ऑटो वाले सबको कहा गया, इसका मतलब लोग नहीं आ रहे हैं अपने आप।